देखो वैसे जब चार दोस्त मिलते हैं तो प्लान बनाते हैं कि वो गोवा जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ही पार्टी हो, शोर हो, बीचेस हो। पर हम जब बचपन के चार दोस्त मिले तो हमने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे वृंदावन। तो बिना कुछ सोचे हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और आपको लेके जा रहे हैं हमारे साथ में इस सफर के अंदर। पर वृंदावन जाके हमारे साथ में जो होने वाला था उसका हमको आइडिया नहीं था। तो इस सफर में आपको बहुत सारी नॉलेज तो मिलने वाली है, बट जो हमारे साथ में हुआ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चाय पियो भैया। राधे राधे। आप तो कह रहे थे कि आप शुरुआत करेंगे ब्लॉग की। अच्छा हाँ, आप हमें फोन दे दीजिए, हम स्टार्ट कर देंगे। राधा रानी और श्री कृष्ण जी को प्यार करने वाले और जितने भी लोग इस ब्लॉग में मेरे साथ में आज जुड़ने वाले हैं, इस सफर में मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ वृंदावन धाम के दर्शन कराने के लिए। तो एक दिन आज मैं वृंदावन में रुकने वाला हूँ। जितने भी मंदिर मैं एक्सप्लोर करूंगा, जितनी भी जगह मैं जाऊंगा, बहुत डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है एक नई ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाड़ी हमारी प्रॉपर रेडी है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमको। सबसे पहले हम विजिट करने वाले बांके बिहारी मंदिर ग्लेड। कैसा लग रहा है जाम में फंस के? यार मजा आ गया। देख रहे हो तुम, देख रहे हो ये स्वेट, और गाड़ी का एसी भी खराब हो गया है। तकरीबन आधे घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं भाई। सैटरडे संडे अगर आप वृंदावन आओगे तो भाई ये सब देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जॉब वाले लोगों के साथ में 8 दिन पे छुट्टी नहीं मिलती है। ऑन वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आधे घंटे जाम में लगना है। आधा घंटा नहीं भाई, कम से कम हो गया हमको 2 घंटा, 1.5 घंटा हो गया जाम में लगे हुए। अगर 6 बजे से पहले आ गए बांके बिहारी के दर्शन हो गए तो फिर रहने देना, घर बैठ। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई वहाँ पे तो बिल्कुल रोड बंद कर दी थी, हम थोड़ा लेट हो गए, 8:30 बज चुके हैं। तो उससे 500 मीटर पहले हमने छाव में गाड़ी लगाई है और फिर हम वापसी पैदल पैदल जाएंगे। वहाँ पे यहाँ से 2 किलोमीटर करीब होगा। तो मैं तो कहूँगा जब आप यहाँ पे आओ बांके बिहारी दर्शन करने 6 बजे से पहले पहले आ जाओ तो आपको जगह मिल जाएगी। बांके बिहारी जी का टेंपल है 2.5 किलोमीटर यहाँ से। हम पैदल जा रहे हैं और पैदल ही जाना पड़ेगा मेरे भाई। ओके, जाम लगा है, लोग ऐसे गाड़ियाँ साइड साइड में पार्क कर करके जैसे तैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना बैरिकेडिंग कर दी है, गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे, तो यहाँ से यू टर्न करवा रहे हैं। हम भी यू टर्न करके वहाँ पे गाड़ी लगा के आए थे। मयंक बोरा जी वो कह रहे हैं कि VIP गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, आप जैसे आम नागरिकों के हो बस झंझट ही मिलने पड़ेंगे। आम नागरिक की यार जिद नहीं है। हाँ, तो बस हम पैदल पैदल जाएंगे। अब तो बांके बिहारी मंदिर इस साइड से है, यहाँ पे बैरिकेडिंग है, तो हम यहाँ पे आ भी जाते तो कोई फायदा नहीं होता। तो अब चलते हैं पैदल पैदल ही। कितना टाइम लगता है? तो हमने हार के पानी ई रिक्शा कर लिया है भाई। 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो हमारा दर्शन छूट जाते हैं, क्योंकि 9 तो ऐसे बज गए। ऑब्वियसली 10 बजे फिर बंद हो जाते हैं। इससे अच्छा हम दर्शन कर लेंगे। 12:30 पे सारे मंदिर बंद होते हैं। ये बाकी भी 12:30, ये तो झूठ बोला वाला, 12:30 बंद होता है। रिक्शा लेने का जो हमारा निश्चय था वो बिल्कुल सही हो गया, बड़ा दूर था। अब पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर और यहाँ पे उन्होंने बोला कि चश्मे और मोबाइल से मार के रखना, तो बंदर छीन लेंगे। दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के बने, देख बंदर गया, बंदर भाई बंदर पकड़ लेते हैं, अंदर रख रहा हूँ फोन में। मयंक को मैंने बोला कि बंदर देखता रहे तब तक मैं फोन यूज कर लेता हूँ। भाई बहुत लंबी लाइन है, 2-2.5 घंटे में नंबर आएगा मेरे हिसाब से। मंदिर लाइन से पहले यहाँ पे निःशुल्क जूता घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे चप्पल वगैरह रख सकते हैं अपनी। हमने कॉम्प्लेक्स में तो एंटर कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मुझे पता है कि लाइन में लगना पड़ेगा, टाइम आने में, नंबर आने में टाइम लगेगा, बट अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद ही आनंद। अगर यहाँ बंदरों ने आपका चश्मा या आपका फ़ोन छीन लिया तो फ्रूटी देनी पड़ेगी उनको, तब जाके वो छोड़ेंगे, तो उनका ध्यान रखना। मैं तो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और इसको बोला कि नज़र रखे कि बंदर ना देखे कोई। तो बांके बिहारी के पास में ऐसे आपको भवन मिल जाएंगे बने हुए, जहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। पीक टाइम पे थोड़ा दिक्कत होगी, बट बहुत सारे भवन मिल जाएंगे जहाँ पे आप 200-250 रुपये दे के एक रूम में रुक सकते हैं। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, ओयो है, जमुना भवन, आगे अगर आप देखोगे तो जयपुरिया भवन, ऐसे आश्रम भी मिल जाएंगे आपको और भवन भी मिल जाएंगे। तो बांके बिहारी जी का मंदिर और उसके साथ में श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर भी पड़ता है। तो पहले बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, फिर राधा वल्लभ के भी आप दर्शन कर सकते हो। और जैसे कि बंदर भी ऊपर बैठे हुए हैं तो इनसे थोड़ा सावधान रहना है। तो हम भी कोशिश करेंगे बांके बिहारी मंदिर के बाद में राधा वल्लभ जी मंदिर दर्शन करके आए, ठीक है। और 12:30 बजे तक सारे मंदिर वृंदावन में ओपन रहते हैं, उसके बाद में शाम को 4 या 5 बजे करीब खुलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ है और प्रसाद की दुकान दिख जाएंगे, और वृंदावन फेमस ही अपने पेड़ों के लिए है। एक बार यहाँ के पेड़े जरूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो।
बाकी हम मंदिर विजिट मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन करते हैं। काफी सारी भीड़ है यहाँ पे। तो हमने चारों ने प्रसाद ले लिया है, 50 रुपए का हमको इतना सा डब्बा मिला प्रसाद का, लाके बिहारी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे हम लोग। तो आज एकादशी के लिए, आज एकादशी इसलिए आज बहुत ज्यादा भीड़ है और गेट नंबर 3 से हम लोग एंट्री। तो ये बंदर है जो चश्मा और मोबाइल छीन सकते हैं, तो भाई मैं चश्मा और मोबाइल दोनों अंदर रखा। भाई इतना आनंद आ गया ना अंदर जाके, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एकादशी है और 12:30 बजे तक सारे मंदिर खुले होते हैं तो दर्शन कर सकते हैं आराम से, बट वीकेंड वगैरह में थोड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो बाकी बंदरों से सावधान रहें क्योंकि दो आंटियों को चश्मा उड़ा के ले गए थे। अगर थोड़े टाइम बाद आपको ये चीज़ें नहीं दिखें, बोलना बंद कर दे, ब्लॉग बंद हो जाए, तो उसका मतलब समझ लेना फोन गया। हम लोग ना थोड़ा गलत चले गए थे, हमको श्री राधा वल्लभ के मंदिर जाना है और हम वापसी की तरफ जा रहे थे, तो बांके बिहारी के मंदिर से थोड़ा सा आगे है, सीधा सीधा जाना है 100-200 मीटर आगे। तो श्री बांके बिहारी के मंदिर के लिए जैसे हम लेफ्ट मुड़े थे, राधा वल्लभ मंदिर के लिए हमको सीधा 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 जाना है, कहीं पे भी नहीं मुड़ना, वापसी वहाँ से एग्जिट करके दोबारा आगे सीधा जाना पड़ेगा। पहले हम इस वाली लाइन में गए थे, अब हम सीधा सीधा जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर की तरफ। तो श्री राधा वल्लभ मंदिर जी के लिए यहाँ से गोविंद मुकुट एम्पोरियम से राइट लेना है, मतलब सीधा रास्ता जाएगा। तो अब पहुंच चुके हैं हम श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के एंट्री गेट पर, अब एंट्री कर रहे हैं। बंदर यहाँ पे बहुत है इसलिए मोबाइल बार बार निकाल नहीं रहा। राधा वल्लभ मंदिर में आज इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी और यहाँ पे बताया था कि आज श्री दीपावली उत्सव रात को श्री जी का दिवाली उत्सव है। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, ये बहुत बड़ा पंखा अगर आपको दिख रहा होगा, राधा वल्लभ जी की सेवा हो रही है। अभी हम सेवा कुंज जा रहे हैं और लास्ट में निधि बन जाएंगे क्योंकि 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास में, ठीक है मैं। राधा कुंज भी जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे पानी की सेवा चल रही है, तो बहुत प्यास लगी थी तो पानी पी रहे हैं, 2 बोतलें ऑलरेडी ले चुके हैं, वो भी ख़त्म कर चुके हैं। चलते चलते हमको बहुत ही खूबसूरत यमुना नदी के दर्शन भी हो गए, तो हमने सोचा लगे हाथ हो ही हैं, बोटिंग वगैरह भी होती है इसके अंदर। बट यमुना दिल्ली की अगर देखी जाए तो कितनी गंदी लगती है, यहाँ कितनी साफ लग रही है। भाई स्नान करेगा यार? अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, पानी थोड़ा सा गंदा है। अच्छा, दिल्ली से तो साफ ही है यार, दिल्ली से साफ है। अब हम सेवा कुंज के दर्शन करने जा रहे हैं और क्योंकि 12:30 तक सारे मंदिर बंद हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी हमारे को पूरा गाइड कर रहा है। तो अब हम सेवा कुंज जा रहे हैं और लास्ट में निधिवन एंड करके फिर हम लंच करेंगे। हाँ धरती गर्म हो रही है बट क्या करें, आपने पाप ही इतने सारे कर रखे हैं। मैंगबोरा जी अब हम लोग जा रहे हैं निधि वन की तरफ। इसमें को डर यही रहता है हर एक गली में जाते हुए कि कोई भी बंदर आके चश्मा ना छीन जाए और फोन ना छीन जाए। और हम निधि वन पहुंच गए हैं। तो अब हम एंटर करें निधि वन के अंदर और आपको इसकी पूरी कहानी वॉइस ओवर में मैं बता दूंगा, तब तक थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत खतरा है। आप जो ये सामने वृक्ष देख रहे हैं ना, कहते हैं कि ये वृक्ष ना रात को गोपियाँ बन जाते हैं। बाकी कहानी आप वॉइस ओवर में सुन लेना क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है यहाँ। तो इस मंदिर में ये माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी वृक्ष देख रहे हैं रात को गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण जी आके यहाँ पे रासलीला करते हैं। तो 7 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, यहाँ पे एंट्री किसी की नहीं है
और जो भी एंट्री करने की कोशिश करता है तो फिर उसका बहुत बुरा हर्ष ही होता है। तो यहाँ पे 7 बजे के बाद बिल्कुल एंट्री नहीं कर पाते, तो इस मंदिर की हिस्ट्री यही है। तो और ये भी कहते हैं यहाँ पे रात को रात सामान छोड़ के जाते हैं जो भी, वो सुबह पूरा बिखरा हुआ मिलता है, हार श्रृंगार सब लगे लगाए मिलते हैं यहाँ पे। तो इन पेड़ों पे और वृक्षों पे ना सिंदूर डालना मना है, अगर पकड़े जाओगे तो 500 रुपये जुर्माना है। बीच बीच में ना ये पेड़ निकले हुए हैं तो लोगों ने उसमें सिंदूर डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे मना है। ये जितने भी लोगों का नाम आप देख रहे हैं वैसे रात को रुकना यहाँ पे मना है, ये लोग यहाँ पे रुक गए थे और फिर इनका देखो लास्ट में ये हाल हुआ। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो चीज़ बोली जाती है उसका सिर्फ पालन करना है। जब देख ली उन्होंने तो यानी कहते हैं ना भगवान को देखने वाला तो स्वर्ग फरार गया, तो वो वाला सिनेरियो इनके साथ हुआ, समाधि वहीं की वहीं बन गई, तो वो समाधि है। निधि वन में अगर जूते चप्पल आप यहाँ पे रखते हैं तो 2 रुपये प्रति जोड़ी लिया जाता है, क्योंकि बंदरों से संभाल के रखते हैं। निधि वन के भी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे कृष्ण जी ने गोपियों के कपड़े चुराए थे, उस घाट पे हम लोग जा रहे हैं। बस 5 मिनट की वॉकिंग पे ही है जैसे अमर ने मेरे को बताया। तो हम उस घाट की तरफ आ गए हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोपियों के कपड़े चुरा के इस वाले पेड़ पे टांग दिए थे, जैसा कि मेरे को अमर ने बताया। हम उस घाट की तरफ जा रहे हैं, तो इस जगह को चीर घाट कहते हैं। यहाँ पे आप निधि वन से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे आप पहुँच जाएंगे और सामने आपको यमुना नदी मिल जाएगी। थोड़ी देर अब यहाँ पे हम विश्राम करते हैं। तो गोपियाँ इस घाट पे स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण जी ने उनसे पंगे लेने के लिए उस वाले पीछे जो पेड़ मैंने आपको दिखा था वहाँ पे कपड़े टांग दिए थे। अब थोड़ा यमुना जी का दर्शन करते हैं थोड़ा पास जाके, यहाँ पे बंदरों का बहुत खतरा रहता है इसलिए बार बार फ़ोन रखना पड़ता है अंदर। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ और निधिवन तीनों के दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अब 12 के करीब बज चुके हैं, हम 12:30 तक मंदिर बंद रहते तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, फिर एक रूम लेके 2-3 घंटा आराम करेंगे। बट नंगे पैर हैं, पैर जल रहे हैं धूप में बहुत ज़्यादा। क्या बिल्ली बग्गी बिल्ली अंदर की करेंगी, ये पापी तो पापी ही रहेगा। ये मैं आंटी को बड़ी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, बट आंटी जी जाओ भाई, वो क्यों हटेंगे? आंटी जी रोड चलने के लिए होती, गाड़ियों के लिए होती है। एंट्री नहीं मिल रही है, एकादशी हमने पता नहीं गलती कर दी, एकादशी के दिन आके हम आउट हो गए हल्का सा और अब एंट्री नहीं है, कोई रास्ता है ही नहीं, सब जगह जाम लगा हुआ। हाल है कि एंट्री ही क्लोज कर दी वृंदावन की, इतने लोग आ गए हैं। जो मेन एंट्री उनको वापस मेन एंट्री बंद कर दी, अब किसी को एंट्री नहीं है वृंदावन के अंदर। हम तो